उत्तर प्रदेश के शामली से पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला थाना भवन क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर अजीज फिलिंग सेंटर से पेट्रोल पंप का है। आपको बता दें, यहां कार में सवार दो युवकों ने पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भरवाने वालों की लंबी लाइन लगी थी, तभी कार में सवार दो युवकों के बिना लाइन के ही वो सीएनजी भरवाने की जिद कर रहे थे, जिसका पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने भी विरोध किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया और युवक गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वहीं दोनों कार सवार मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर पुलिस ने घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं थाना भवन के थाना प्रभारी का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है, लेकिन तहरीर नहीं मिली है। उन्होंने कहा, तहरीर के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे ही गाड़ी पीछे से आई हुआ, वे कह रहे हैं सीएनजी दे दो। सबसे पहले गाड़ी की लाइन लगी हुई थी, मौजूदा लाइन से सीएनजी चली हुई थी, वे कहने लगे पहले हमें दे दो। हमने कहा भाई सीएनजी इस तरह नहीं मिली, लेकिन लाइन तय ले, 10 मिनट में नंबर आ जाएगा। फिर वे बहस बसाई में फोन करने लगे, तो बहस बसाई करते करते हमने कहा भाई सीएनजी बंद कर दो। सीएनजी जैसे ही बंद करने गया लड़का, तो इस लड़के का रैपर्ड बजाने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? रैपर्ड बजाने शुरू हुए जी, फिर हम बीच में पड़ना पड़ा, जैसे ही हमने भी बजाया, फिर उन्होंने हम पकड़े, लट काटा जी उन्होंने गाड़ी में से, गाड़ी में से लट काटते ही लट बजाया जी। फिर